कोई भी हम वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि पॉइंट ज़्यादा लंबे हैं, और इस वीडियो में हमने हर एक पॉइंट डाले हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, 1000 कॉल दिन में आते हैं, अटेंड करना संभव नहीं है। हर आदमी को 2 मिनट भी देते 2000 मिनट 24 घंटे में होती भी नहीं है, ये आप सबको पता है। इसलिए वीडियो को पूरा देख लें, इसमें A to Z हमने जो भी पॉइंट हैं डाले हुए हैं, और ये घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे केरल हाई कोर्ट में जो याचिका खारिज हुई है, क्यों हुई है, मैंने पहले ही दिल्ली में बता दिया था कि सर्विस मैटर लेकर जाओगे तो बाहर फेंक दिए जाओगे। तो हमें सारे पॉइंट जैसे जैसे जहाँ से लड़ाई है TOD से, TOD में जैसे हमने जो पॉइंट रखे अपनी याचिका में, वो ऑलरेडी सारी चीज़ें देखते हुए, क्योंकि हमने आज से लड़ाई नहीं लड़ रहे, और हमारे पास जो टीम है इसमें रिटायर्ड जज से लगाकर IPS अधिकारी, सेना के अधिकारी और जवान सब जुड़े हुए हैं, और सभी से सलाह लेकर हम काम कर रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं है। और मैं पहले ही ये जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं ना, जो कर्नल जनरल कैंची लगाकर बैठे हैं, मैं उनके टारगेट पर पहले ही हूँ, पहले ही हमेशा इनसे दुश्मनी लेकर रखता हूँ, डरता नहीं है रविंद्र फौजी। कहीं भी सर्च मारोगे, मेरे बाकी वीडियो भी देख लेना, सबको जब तक बोलते हैं ना भगत सिंह की तरह ठोक कर लड़ाई करते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में जो पॉइंट कवर करेंगे, जैसे हमारे पास अभी नए नए आए एक वुमेन जो CMP में भर्ती थी, वो भी बच्चियाँ कह रही कि हमारा जी हमारा भी नाम डाल दो, हमारा भी टेस्ट नहीं हुआ। एक स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उनकी भर्तियाँ हुई थी, लेकिन वो भी पेंडिंग है। उसके अलावा जैसे नर्सिंग असिस्टेंट है, हमारे कलर्क हैं, टेक्नीशियन हैं या GD हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा हम TOD से बाहर हैं, जितने भी बाहर हैं उसके अलावा भी सभी भर्तियाँ इन्होंने, क्योंकि एक पर नहीं कर सकते, सभी भर्तियाँ ये कैंसिल कर चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ हम कोर्ट में जा रहे हैं। मेरे पास जो जो नाम आ रहे हैं वो हम लिखते जा रहे हैं, और सारे चर्चा जैसे अभी हमारा वकील जब हमारी तारीख पड़ेंगी, मैं उनको जाकर सोमवार, क्योंकि सोमवार से याचिका पर सुनवाई होनी है, मैं सोमवार को जाकर ये सारे पॉइंट और ये सारी चीज़ें उनको दे देंगे। तो अभी हमें किसी को डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, मैंने उसी दिन बता दिया था कि डॉक्यूमेंट सिर्फ एक रविंद्र शेखावत यानी मेरा उसमें लगा हुआ है, बाकी जो बाकी किसी के भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। इसलिए बस इतना ही डाटा, अगर कोई नई कोई भी आपके मन में है तो वही भेजें। उसके अलावा यहाँ एक चीज और क्लियर कर दूं कि आप लोग भेज भी रहे हो, दूसरी तरफ लगातार कॉल भी आ रहे हैं, तो मैं अगर किसी का नहीं भी देख पाता हूं उसको टेंशन की जरूरत नहीं। जैसे अगर मान लो मेरे पास 10 लड़कियों ने भेजे कि हम CMP वाले हैं, मैंने एक का भी देख लिया, तो वो डाटा फिर हम सबमिट कर देंगे, टोटल ले लेंगे कि वहाँ ये भी पॉइंट हमने डालना है, एक स्पोर्ट्समैन का डाल दिया, बाकी नहीं भी देख पाता हूँ तो उनका ले लेंगे। तो ये टेंशन करना छोड़ दो कि सर हमारा तो सीन नहीं किया, मेरा क्या होगा, सीन नहीं भी किया है, हमारे पास एक पॉइंट आ गया, हमने सिर्फ वो पॉइंट डालना है, और टोटल जब हम वहाँ सुनवाई होगी और जब हमारे पक्ष में आएगा और जब वो कहते हैं, क्योंकि एक तरफ लोग लगातार फार्म भी भर रहे हैं, सब भी हो रहा है, यहाँ एक पॉइंट ये भी कर दूं कि कम से कम जो फार्म है 15 तारीख तक नए भरे, ठीक है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं कहेगी देखो इतने लोग हैं, इनके पीछे हैं कौन, तो डाटा हम इसलिए इकट्ठे कर रहे हैं। उसके अलावा बात जब सहयोग की आ रही है, क्योंकि सहयोग हम इसलिए मांग रहे हैं कि हमें अभी अगर और अच्छा वकील खड़ा करना है, या हो सकता है ये हमारे पक्ष में या 19-20 इधर उधर हो, तो हम आगे लड़ाई अगले तरीके से लड़ेंगे, योद्धा हारते नहीं है। जैसे अभी केरल हाई कोर्ट का आते ही लोग बड़बड़ाना शुरू करते सर क्या हो गया पूरा, तो अगर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी आता है तो हम इसमें पूरा विचार करके वीडियो के जरिए आगे बताएंगे। अभी तक 90% हमारे हक में है, कानून के हिसाब से हमारे हक में आना चाहिए, लेकिन फिर भी 19-20 होती है तो घबराना नहीं है, हम उस पर पूरा रिसर्च करेंगे। और मैंने जैसे अब एक अतुल सर को उनको मैसेज दिया हुआ है मेरी तरफ से कि भाई 11 का फैसले का वेट करें, उसके बाद दूसरी डेट डलेगी, और भी लोग हैं, फिर तीसरी डलेगी, फिर हम बची हुई अगर हमारे पास सहयोग आएगा तो फिर हम डालेंगे, तो उन सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। कोर्ट ने जो बोला कि AFT में चले जाओगे, मैं AFT के बारे में बताऊंगा कि AFT क्या है, न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। इसलिए सिर्फ अभी जो नए बंदे हैं जिनका पॉइंट आ रहा है, जैसा मैंने बोला, ये अपने नाम, पिताजी के नाम, भर्ती कहाँ देखिए, ये डिटेल दे दें, और उसके अलावा अगर सहयोग करना चाहते हैं तो ये है मेरा नंबर 8290-35-45-13, ये मेरा फ़ोनपे गूगल पे सभी से जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी मेरा यही है, आपको सिर्फ ये व्हाट्सएप पर भेजना है और कोई भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुराने वीडियो में हमने बताया हुआ है, तो कम से कम उसकी डेट देख लिया करो कि अब क्या बता रहे हैं, जो ताज़ा वीडियो है उसमें सिर्फ हमें इतना ही डाटा चाहिए, सहयोग करना है। अभी जैसे पहले हमने 500 रुपये रखी थी, अब आपकी इच्छा के ऊपर है, आप कम दो ज़्यादा दो, हम किसी से फोर्स नहीं करेंगे, हमारे पास जितना आएगा उसके अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास ये क्या बोलते हैं
फोन पे गूगल पे नहीं है उनके लिए, मेरा अकाउंट नंबर है 612-642-33-600, SBI का अकाउंट नंबर है, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंदर सिंह शेखावत के नाम से, ये सॉरी रविंदर सिंह हो गया, इसमें शेखावत नहीं है, ये फोन पे वाले में शेखावत है, और वहाँ मेरा आर्मी नंबर भी डला हुआ है उसके नीचे, आप सबको आता होगा बीच में, तो जिसको भी डाउट है मैं आगे क्लियर कर दूंगा आगे हम क्या कर रहे हैं। फिर कह रहा हूँ कि महाभारत के मैं संजय नहीं हूँ, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं बार बार उसी चीज़ को, क्या होगा क्या होगा, हमारे हिसाब से वकीलों के हिसाब से 90% हमारे हक में है फैसला, और हमारे हक में आने की उम्मीद है, कोर्ट ने इसीलिए एक्सेप्ट किया है, कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। लेकिन फैसला आने के बाद आप लोग एकदम अगर हमारे पक्ष में आता है तो भी ज़्यादा चैकना मत, उल्टा भी होता है तो भी चैकना मत, क्योंकि इसीलिए हम छोटा सा बजट लेकर लड़ाई शुरू की है, और एक बोलते हैं संगठन लड़ता है तो लंबी लड़ाई लड़ सकता है, बाकी अकेले अकेले जैसे गए ना केरला हाई कोर्ट ने फेंक दिया, और भी जाओगे तो फेंक दिए जाओगे, मैं बताऊंगा पूरी डिटेल आगे, तो वीडियो को एक बार पूरा देख लेना ताकि मेरे पर फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और शेयर करना जिनके पास व्हाट्सअप या यूट्यूब नहीं चलाते उन लोगों को बताना भी आपका काम है, एक एक चीज उनको समझाओ कि हमें करना क्या है, धैर्य रखना है, लड़ाई आगे भी लड़ेंगे, कैसे कैसे लड़नी है मैं बताऊंगा आपको। जय जय भारत वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो केस है आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स जॉइनिंग, और जो 23 से अबव हो चुके हैं एवरेज 25 के तहत, उन सभी के लिए हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में डला हुआ है, और उसकी जो तारीख है नेक्स्ट वीक, एग्जैक्ट तारीख हमको नहीं दी है लेकिन एक बता दिया गया है कि 11 से 15 जुलाई के बीच में हमारी सुनवाई होनी है, इसी विषय में मैं चर्चा करूंगा। एक और अभी जो मुद्दा निकल कर आ रहा है, बहुत से युवा लगातार कॉल कर रहे हैं कि सर केरल हाई कोर्ट ने जो युवाओं की पिटीशन खारिज कर दी, आर्मी एग्जाम की ही पिटीशन थी जिसमें जो बच्चे मेडिकल और फिजिकल पास थे, NCC सर्टिफिकेट वाले थे, वो लोग गए थे और उनकी उसको खारिज कर दिया, उनको डायरेक्शन दे दिया कि आप अगर सर्विस मेटर लेकर आ रहे हो तो AFT में जाइए, आर्मेड ट्रिब्यूनल फोर्स कोर्ट, जो कि आर्मेड ट्रिब्यूनल फोर्स कोर्ट हमारी इंडिया में 7 ब्रांच हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कहां कहां ब्रांच है, लेकिन उसकी भी मेन ब्रांच दिल्ली में ही है। यहाँ एक चीज़ आपको मैं कन्फर्म कर दूँ कि जब हम इस केस के लिए दिल्ली गए थे, और जब शुरू में हमने 1000 नाम मांगे थे, आप सबको पता होगा, फिर 1000 के बाद हम 100 पर आए थे, और 100 के बाद में भी हम 7 पर आ गए थे, और फिर 7 का भी हमें हटाना पड़ा, सिर्फ इंडिविजुअल जो हमारी याचिका लगी हुई है उसमें एक ही नाम है, रविंद्र सिंह शेखावत वर्सेज ऑफ यूनियन इंडिया। वो सब मैं इसी चैनल पर, आप रविंद्र फौजी जो हमारा चैनल है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, जिसमें लगभग 650,000 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें लगभग 6,000 सैनिक और पूर्व सैनिक ही हैं, सॉरी 6 लाख, बाकी 50,000 अभी कुछ युवा साथी जुड़े हैं, और भी देश के गणमान्य व्यक्ति जुड़े हुए हैं। आप सबको पता है या जानकारी नहीं है कि मैं पिछले 5 या 6 साल से ये सोशल वर्क ही कर रहा हूँ, सेना से रिटायर्ड होकर मैंने अपनी कंप्लीट सेना में सर्विस की है, और मैं गवर्नमेंट से पेंशन भी ले रहा हूँ, और मैं फाइट कर रहा हूँ हमारे जवानों पर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ, जो सबको पता है, उन अधिकारियों के खिलाफ ही हम फाइट कर रहे हैं जो अधिकारी जवानों को शोषण कर रहे हैं, अपने घरेलू काम, कुत्ता घुमाना, झाड़ू पोछा, मतलब एक सिविल सर्वेंट की तरह, खासकर ये मेरी, और ऑलरेडी ये भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में मैंने ही डाला हुआ है। तो हमारा और सुप्रीम कोर्ट का नाता और इस तरह का केस का बहुत पुराना है, क्योंकि कुछ लोग अभी इस मैटर में आए हैं, नए नए कूद गए, और लगातार कोई याचिका लगा रहा है, कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मैंने शुरू वाले दिन ही बता दिया था कि इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको एक दूसरे से कोऑपरेट करना पड़ता है। हमारे जो इस जुड़े हुए हैं इसमें बड़े से बड़े लोग जो कि ईमानदार हैं, जो देशभक्त हैं, जो देश को एक नई राह में दिखाना चाहते हैं, वो सही लोग इसमें बड़े बड़े वकील भी हैं, यहाँ तक कि रिटायर्ड जज भी हैं, वर्तमान भी हैं, उसके अलावा IPS अधिकारी, IAS अधिकारी, हमारे एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के भी
वो अधिकारी जो इन चीजों को गलत मानते हैं और हमारा समर्थन करते हैं वो जुड़े हुए हैं, और हम कोई भी काम करते हैं तो उन सब लोगों से सलाह लेकर करते हैं। उस दिन भी जब मैं याचिका डाल रहा था तो मैंने सब लोगों से सलाह ली और मैंने उसी दिन बता दिया था कि अगर हम इंडिविजुअल, हमारे वकीलों ने भी और भी, क्योंकि आप नए वकील के पास जाओगे तो वो सिर्फ आपसे फीस लेने के लिए आपको गुमराह कर देगा, ये कर लो जी वो कर लो, मैं यहाँ जिता दूंगा फलाना जिता दूंगा, क्योंकि उनको तो फीस चाहिए और अपना काम करना है। तो हम, हमारे से वो वकील साहब हैं पहले से ही जुड़े हुए हैं और लोग भी जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उन सबसे जिस दिन सलाह कर रहे थे, जो हम बार बार कर रहे थे ऐसा कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, वो हमें पहले ही पता था कि अगर हम कुछ बंदों का नाम डालते हैं तो वो सर्विस मैटर बन जाएगा और सर्विस मैटर को उठाकर कोर्ट फेंक देगा। भाई आप जैसे बहुत से लोगों ने जगह जगह ऑल इंडिया से बंदे इकट्ठे किए और बोला हम वो कर देंगे फलाना कर देंगे, आप अगर ऑल इंडिया से बंदे लेकर कहीं जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी अपील करते हो, हाई कोर्ट में करते हो, तो अलग अलग को उठाकर फेंक देगा कि भाई जब सर्विस ही मैटर है तो अपने अपने स्टेट में जाओ। फिर स्टेट के जो भी बने हुए वो भी कहेंगे कि भाई आप सर्विस के लिए आ रहे हो कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए, हमें दी जाए, तो वो आपको उठाकर AFT का रास्ता कर देगा, क्योंकि आप सेना में जो हमारी आर्मर्ड फोर्स हैं उनमें सर्विस मांग रहे हो। तो आर्मर्ड फोर्स में 2008 के बाद न्याय के लिए 7 AFT बनाई हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ बहुत कम है कि ऐसे मुद्दों में न्याय मिलता है, बहुत से मुद्दों में मिलता है। आपको एक केस बता दूं, 2012 में मेरे इसी चैनल पे आप टॉप पर देखोगे जो डाला हुआ है 226 फील्ड रेजिमेंट का, जिसमें एक साथ 168 जवानों को कोर्ट मार्शल किया गया था एक अफसर की पत्नी की वजह से। वो 2012 से आज तक AFT का केस लड़ रहे हैं और AFT में उनको घुमा फिरा के कभी न्याय नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो भी अफसर इनके बड़े लोगों के खिलाफ आता है वहाँ न्याय नहीं होता। खुलेआम बोलता हूँ मैं, AFT बनाई गई थी आर्मर ट्रिब्यूनल फोर्स कोर्ट की जवानों को फास्ट ट्रैक की तरफ पे जल्दी न्याय मिले, लेकिन वहाँ एक जो जज बैठता है वो इन्हीं सेना, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी से रिटायर्ड मेजर जनरल या जनरल होता है, उसको जज की पदवी दी जाती है, और एक हाई कोर्ट के या कहीं के रिटायर्ड जज, वो दो लोग बैठकर वहाँ बैच बनती है। तो वहाँ ज़्यादातर जो फोर्स मेंबर होता है और फोर्स से रिलेटेड केसों पर उन्हीं की ज़्यादातर दबदबा होता है, और वो हाँ जवान को और जो वेलफेयर वाले चीज़ हैं वो दे देते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि वो सेना के खिलाफ जा रहा है या अधिकारी के खिलाफ जा रहा है तो वहाँ न्याय मिलना संभव नहीं है। बहुत से ऐसे केस हैं और भी हैं, जैसे बैरोड का एक केस है, एक लड़के का अफसर द्वारा ही मर्डर किया गया था और वह 4 साल से लंबित है, लास्ट नाइट उसका, ऐसे बहुत से केस में गिराऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगी। अगर आपको फिर भी देखना है तो मेरे इस चैनल पर ऐसे हजारों वीडियो उनसे रिलेटेड डाले हुए हैं। तो सबसे पहले मेरा आज जो बताने का एक मकसद है कि कोई भी आदमी इस तरह हाई कोर्ट भागना फलाना भागना नथिंग इम्पॉसिबल है कि आपको न्याय मिल जाए। जो चीज़ पहले ही हमने सुप्रीम कोर्ट में डाली, हमें पता था कि हम अगर AFT सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऐसे घूमते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, न्याय सुप्रीम कोर्ट में होना है और वहां तक पहुंचेंगे तब तक ये लगातार, क्योंकि इनकी सोची समझी सरकार की और सेना के चंदे के अफसरों की ये घटिया स्कीम है जो ये नई भर्ती कर देंगे। अभी दिखा रहे थे मेरे को, पता देख कितने लोगों ने फार्म भर दिए, वो खुशी से फार्म नहीं भर रहे हैं। अगर कोई देश का ये सोच रहा हो कि युवा उसमें जाने के लिए उत्सुक हैं, उत्सुक नहीं है, मजबूरी है। ये देश ऐसा परिस्थितियों का देश है जहाँ मिडिल क्लास की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है गरीब लोगों की, और एक मजबूरी है कि उनको 4 साल में भी जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उनमें से 5% की तो मैं बोल नहीं सकता, 95% लोग मजबूरी से अग्निपथ की तरफ, इस नई स्कीम की तरफ दौड़ रहे हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ था। फिर कह देता हूँ कि आप लोग, एक मैटर और आता है कि बीच में भी आया था कि हम असम को हाई कोर्ट में जा रहे हैं, कुछ एक चैनल वाले हैं जो कह रहे हैं हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, वो रटी रटाई इस चारों तरफ की चीज़ों को उठाकर बोल रहे हैं, अभी तक उनका केस डला नहीं है। अगर केस डला तो हमारी तरह, जैसे हमने 29 को 28 को कागज़ सबमिट किए थे, 29 को हमें डायरी नंबर मिल गया था और 1 जुलाई को हमें रजिस्टर्ड होकर हमारा केस नंबर मिल गया था। जो किसी को भी डाउट है तो ये 19380 ये हमारा डायरी नंबर है और 000473 ये हमारा केस नंबर है, जो कि गूगल वगैरह में आप देख सकते हो, सरकार का वकील उसमें लगा हुआ है। नो डाउट, क्लियर बात जो होती है सबके सामने बोलते हैं। तो ये मैटर एक अलग मैटर है, मैं उन सब भाइयों से ही कहना चाहता हूँ। एक हमारे जैसे मेरी बीच बीच में मैंने अतुल सर को भी मैसेज दिया था कि हमारा केस 11 से 15 के बीच में लग जाएगा, तब तक आप अपना केस को रोक के रखें, और उन्होंने 11 तक, मतलब किसी के थ्रू मेरे पास आया कि वो 11 तक रोकेंगे भी, क्योंकि कोर्ट है, मैंने पहले बताया कि हमारी उम्मीद ज़्यादा है, लेकिन
कोर्ट क्या फैसला देगा, मैं महाभारत के संजय की तरह नहीं हूँ, अभी भी बताने के बावजूद भी लगातार हजार कॉल दिन में मेरे पास आती हैं, जिनमें जितनी में हो सकता है, मतलब जितनी मेरी हिम्मत है उठाता हूँ, और हजार को अगर दो दो मिनट भी दें तो 2000 मिनट मतलब पूरे दिन में पूरी नहीं होती हैं। अगर वो लोग सारा इस वीडियो को जो भी मैं डालता हूँ एक बार शुरू से लास्ट तक आप उसमें देख लोगे तो आपको कॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बहुत से लोग कि सर हमारा तो मैं ये उधर चले जाएँ फलाना चले जाएँ, AFT में अगर न्याय मिलेगा, आप करीबन 1.5 से 2 लाख जनसंख्या है वहाँ, AFT में न्याय मिलते मिलते आपको सालों बीत जाएंगे। फिर वहाँ भी जब खर्चे की बात आती है, यहाँ हमने बड़े मुश्किल से कहा था कि ले भाई आप सब मिलकर छोटा छोटा खर्चा जो कि 500 रुपये हमने रखा था, नहीं तो वकीलों ने 5000 से स्टार्ट किया था, जैसे अभी हाई कोर्ट में गए होंगे तो 5 से 10 हज़ार रुपये लेकर या 20,000 रुपये लेकर गए होंगे 23 बंदे, और याचिका उठाकर फेंक दी गई। क्या मतलब हुआ उसका, अभी 4 बार सोचेंगे वो कहीं आगे जाने के लिए। तो हमने तो एक नॉर्मल सी रखी थी कि भाई 500 रुपये कोई बड़ी भारी वो भी नहीं है, और उससे हमारा एक जो कोर्ट का रास्ता है उसका दरवाज़ा हम खटखटा सकते हैं। बोलते हैं ना न्याय, न्याय उनको मिलता है जो संगठित होकर लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर आदमी, मैंने इस केस पर इंटरेस्ट इसलिए लिया था कि ये बहुत बड़े लोगों को इफेक्ट कर रहा है, इसमें इतने लोग इफेक्टेड हैं, तो मैं जहाँ लड़ाई लड़ता हूँ जहाँ ज़्यादा लोग वहाँ इफेक्टेड हों, और हर आदमी की ये सोचो कि हम लड़ेंगे। लेकिन इसमें भी मुझे बहुत मतलब कहने को आता है कि यहाँ भी लोग सिर्फ अपना सर हमारे NCC वालों को तो करवा दो, हमारे एयरफोर्स वालों को तो करवा दो, बाकी को रहने दो। आपकी यही कमी, मिडिल क्लास लोगों को न्याय नहीं मिल पाता इसी वजह से। अगर आप संगठित होकर लड़ना सीख जाओगे ना, उस दिन ये जो हमारे आज भी देश आज़ाद हो गया, लेकिन काले अंग्रेजी अधिकारी और नेता आप लोगों को दबा कुचल कर रखना चाहते हैं, उन्हें पता है इनको छोटा मोटा इधर उधर लालच दो, ये टूट जाएंगे, बिगड़ जाएंगे और इन्हें न्याय नहीं मिलेगा। और हम लोगों को धीरे धीरे संगठित कर इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन उसमें भी जब मेरा मेरा आ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अकेले नहीं न्याय ले पाओगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते लोगों की ज़मीन तक बिक जाएंगे अगर अकेला अकेला वहाँ जाएगा तो, और न्याय नहीं मिला तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमने आपको मौका दिया कि भाई ठीक है, ये नंबर जो मैं आज भी मैंने जारी किया, बहुत से लोग, पहले यहाँ एक बार और बता देता हूँ, बहुत से लोग अभी भी हमारे को कह रहे हैं कि सर हमारा नाम डल जाएगा क्या फलाना, ये जो नंबर है मेरा 8290-35-45-13 फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। सिर्फ आप इस पर अपना पेमेंट भेजकर आप अपना नाम, पिताजी का नाम और भर्ती कहाँ देखी थी, आपकी उम्र क्या है, इतना लिखकर भेज दो। वहाँ किसी के कागज़ हमें नहीं चाहिए। अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कागज़ भेजें फलाना, या मेरे कागज़ सीन नहीं किए। अभी सिर्फ हमने एक आदमी का नाम है, अगर खुदा ने खास्ता कोर्ट पहुँचता है, क्योंकि सरकार कहेगी देखो फार्म लगाने वालों की लाइन लगी हुई है, इनके पीछे हैं कौन है बुलाओ। इसलिए सिर्फ हम उन लोगों के नाम मांग रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर इनमें से 10, 20, 50, 100 या 1000 लोगों को कोर्ट के सामने खड़ा कर सके कि साहब ये वंचित हैं, इनका टेस्ट नहीं हुआ, इनकी उम्र निकल गई, या ये करवाओ। उसके लिए सिर्फ इतना ही डाटा मांग रहे हैं जो आप मेरे इसी नंबर पर, यही व्हाट्सएप है और यही सब कुछ है, इस पर भेज सकते हो जिसने अभी तक नहीं भेजा है। और उसका मेन मकसद है कि अगर हमारे पास बजट आता है, तो मैंने कहा था कि हम वकील और खड़ा कर लें, हमें 2 दिन कहते कहते भी, लेकिन हर आदमी, मैंने एक चीज़ कह दी थी कि न्याय सबके लिए मिलेगा, तो हर आदमी ये सोचता है न्याय तो मिल ही जाएगा। खैर छोड़ो, ये विषय मैंने इसलिए डाला था कि भाई जो वंचित हैं, जिनको लगता है कि जुड़ना चाहिए, वो जुड़ सकते हैं और इस लड़ाई में कर सकते हैं। छोटी छोटी इस लड़ाई में अगर हमारे को एक बार खुदा ना खास्ता हमारे नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी रिजल्ट आता है, तो हम इसको लड़ाई को फिर से लड़ सकते हैं। लेकिन आप ऐसे बिखर कर जाओगे, एक ही बार में टूट जाओगे, हिल जाओगे, दोबारा हिम्मत नहीं कर पाओगे। जो बातें थी मोटी मोटी, जैसे इस मैटर में जो मैं आगे में चल रहा था, मैं फिर बता दूं, 11 से 15 जुलाई तक हमारा रिजल्ट आएगा। अभी तक उम्मीद है, क्योंकि कोर्ट ने अगर एक्सेप्ट की है वो, नहीं तो हमारी केरल हाई कोर्ट की तरफ फेंक देता। मुझे भी डाउट था उस टाइम तक कि अगर कोर्ट ने पहले ही केस नंबर नहीं दिया या खारिज कर दी तो क्या होगा। अगर अब कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, सरकारी वकील उसमें लग चुका है, इसका मतलब सरकार के पास वो मैटर पहुंच चुका है और सरकार भी सुनने के लिए तैयार है। बहुत से लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जो बोल रहे थे कि सिर्फ आर्मी, हमने जो आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग और एज, अब इसको, इसी मैटर को हम जैसे उस दिन बोल रहे थे सर बस यही 3 मैटर रखो, अब हमें जो केरल हाई कोर्ट ने सर्विस मैटर बनाकर उसको फेंक दिया, इस वजह से हो सकता है अब हम इसमें छोटी छोटी तब्दीली करेंगे। वैसे तो मैंने उस दिन भी बता दिया था कि हमारी लड़ाई कहाँ से शुरू होगी,
अग्निपथ योजना जो टीओडी है, इसका जिक्र तो हमें करना ही करना होगा, वो हमने ऑलरेडी उसमें किया भी है, क्योंकि सिर्फ हम इसी को लेकर चलते तो उसको उसी दिन सर्विस मैटर बना दिया जाता, फिर कहते लोगों को ले आओ। तो हमने पहले इसमें जो आधार रखा था अब उसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। पहले हमने सिर्फ इतना रखा था कि भाई ये टीओडी जो सरकार लाई है ये गलत है, और सरकार अगर ये लेके भी आ रही है तो पहले हमारी पुरानी भर्तियाँ क्लियर करवा दें। अब इसको उस दिन हमने सिर्फ इतने ही पॉइंट थे, टीओडी गलत है, सरकार इस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि इसका जो फिर हमने जो नोटिफिकेशन था 88 पेज की हमारी वो बनी हुई है, क्या बोलते हैं अपना ड्राफ्टिंग, 88 पेज बनाए हैं। 88 पेज में शुरुआत हमने जैसे टीओडी का लेकर के ये गलत है, इसमें युवाओं को जो ये दे रहे हैं रिटायर के बाद पेंशन नहीं है, मेडिकल नहीं है, ऐसी सारे पॉइंट डालते डालते फिर अंत में हमने जो मेन पॉइंट थे कि ठीक है सरकार इस पर पुनर्विचार करे, और हमारे जो मेन पॉइंट हैं वो मेन हेडिंग में फिर हमने दिए कि हमारा आर्मी एग्जाम जो बच्चों का बाकी है, जो 2 साल से कर रहे थे पेंडिंग जो भी भर्ती है, टीओडी लाने से जैसे 14 जून 2022 में आप टीओडी की घोषणा कर रहे थे तो उसके पीछे की भर्तियां करवा दो। तो मेन पॉइंट हम ये लेकर चल रहे हैं, और कहानी हमने पूरी डाली थी ताकि केस एक्सेप्ट हो। उस दिन भी बोल रहे थे सर टीओडी की तरफ मत जाओ, फलाना जाओ, उठाकर फेंक दिए जाते। और अब और थोड़ा सा हमें उसमें और पॉइंट बढ़ाने पड़ेंगे सब चीज़ों के, ताकि कोर्ट सब चीज़ों पर विचार करें। मैंने अपना सबको पता है कि मेरा खाका उसमें डला हुआ है कि मैं एक सर्विस मैन हूँ, मुझे पता है कि ये जवानों को और सेना को इफेक्ट करेगा, सेना को कमज़ोर भी करेगा, और कहीं ना कहीं अगर अधिकारियों के लिए है ये सिस्टम जवानों के लिए है तो अधिकारियों और नेताओं के सबके लिए कर दो, पूरे देश में बाकी सर्विस भी 4 साल कर दो। लेकिन आपने जो देश की रीढ़ की हड्डी थी जिस पर आपने ब्रेक लगा दिया, एक ऐसा सिस्टम कर दिया इससे ये चीज़ें कमज़ोर होंगी, तो हम थोड़े से मुद्दे वो भी बढ़ाएंगे। और मेन फैक्टर फिर कह रहा हूँ कि हमारे मेन फैक्टर ये 4 ही हैं कि भाई ये अगर नहीं भी मानती है सरकार तो पहले हमारा आर्मी का जो पुरानी भर्तियाँ हैं एयरफोर्स आर्मी या नेवी, नेवी के हमारे पास बंदे नहीं हैं, लेकिन तीनों का नाम हमने जिक्र किया है कि जो भी पुरानी भर्तियाँ हैं उन्हें पहले कम्प्लीट किया जाए। अभी जैसे हमारे पास महिला सीएम क्या बोलते हैं महिलाओं का भी बच्चियों का भी कॉल आया है कि वुमेन जो हमारी सीएमपी में भर्ती हुई थी, हालांकि उनका टीओडी में नहीं रखा गया है, एक नर्सिंग है नर्सिंग असिस्टेंट, उसको टीओडी में नहीं रखा गया है। ऐसे तो जो हमारे कलर्क वगैरह ट्रेड हैं वो भी टीओडी में नहीं रखे गए, लेकिन भर्तियाँ सभी की इन्होंने निरस्त कर दी, इसलिए उन सब का जिक्र हम अब इसमें धीरे धीरे कर रहे हैं कि वह सभी लोगों का समावेश हो जाए और भला हो तो सबका। ये आदमी अगर सोच के चलेगा कि सर मेरा तो करवा दो बाकी छोड़ो, नहीं होगा, भला सबका होगा। और हम भी यही चाहते हैं कि हर एक, इसलिए मैं अभी भी लगातार नाम मांग रहा हूँ कि हमारी सुनवाई से पहले हम उसमें जो भी होता है हमारे पास ऐड कर रखें, और जिस दिन बहस हो वो सारे मुद्दे बोले जाएं। तो जैसे इसका सीएमपी का भी आया है, एक हमारे कुछ स्पोर्ट्स की भर्ती भी है उसका भी आया कि सर हमारा भी जिक्र कर दो, तो हम उनका भी जिक्र करेंगे। उसके बाद में हमारे क्या बोलते हैं दिमाग से मेरा थोड़ा सा, हाँ एयरफोर्स की जो टेस्ट के लिए अभी बात आ रही है धीरे धीरे कि उनका जो टेस्ट हुआ है, तो वो हमारा पॉइंट जो बाकी प्रोसेस है उसमें ऑलरेडी ही लिखा हुआ है कि पुरानी भर्तियां कंप्लीट कराई जाए, वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ मेरे से छूट जाती है तो मैं धीरे धीरे, आज हमारे पास बुधवार के बाद में बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार तक का टाइम है, सोमवार से याचिका की सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी अलग अलग 3 या 4 अभी तक जो याचिकाएं हैं सिर्फ इतनी ही डली हुई हैं। बाकी मेरी तरफ से तो मैंने लोगों को कहा कि होल्ड करके रखो, ये हमारा तीर है, अगर एक तीर बर्बाद होता है तो फिर दूसरा चलाएं, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, इन सब बच्चों का भला करना। ये तो नहीं है कि मेरा हो जाएगा तो मेरा नाम फलाना, रविंद्र फौजी को किसी नाम की जरूरत नहीं है। आज इंडियन आर्मी की कोई भी बटालियन हो जिसमें रविंद्र फौजी का नाम पहले ही चलता है, देश के किसी भी कोने में आपको अगर कोई पूर्व फौजी है, मैं ये नहीं कह सकता कि हो सकता कहीं छूट गया होगा, लेकिन ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट या तहसील नहीं होगी जहां मेरे को बंदा नहीं जानता हो। सबसे हमने संपर्क किया है, सबको जोड़ा है, हर लोगों से सलाह लेते हैं और यहां तक पहुंचे हैं तो थोड़ी हिम्मत के कारण। तो थोड़ा सा हिम्मत रखें, धैर्य रखें, फिर भी अगर 19-20 कोई रिजल्ट उल्टा आता है तो घबराना नहीं है, और एकदम इस तबाह तोड़ नहीं हो जाना ये आ गया सर क्या करें ये कर दिया फलाना, फिर कोशिश करेंगे। बोलते हैं ना कि योद्धा हारते नहीं है, मैदान में लड़ते हैं, अगर गिर जाते हैं तो फिर उठते हैं फिर लड़ते हैं। हमने बताया हुआ है ये हमारा कोर्ट की तरफ से पहला तीर है, और लोग हैं वो भी मारेंगे, नहीं तो फिर
बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र चलाने की जरूरत आई, तो वो भी चलाएंगे, लड़ाई हर तरीके से लड़ी जाएगी। फिर और रणनीतियां भी बन रही हैं, और रणनीतियां ऐसी बनेंगी कि जो सरकार अगर तानाशाही करेगी तो फिर सरकार को भी दूसरे तरीके से जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इनके अलावा कोई पॉइंट रहता है तो सिर्फ कॉल उसी के लिए करें। हाँ, किसी ने वीडियो नहीं देखा, देखने वाला मुझे पता है, जब बात आती है ना सहयोग कर लो फलाना कर दो, तो वो बहुत कम लोग की 500 का कहा था, उसमें 500 बहुत कम लोग हैं, बाकी 10 20 50 भेजने वाले भी 1 रुपया भेजने वाले हैं, और सवाल भी वही ज़्यादा करते हैं कि सर मैंने तो 50 भेजा था, मैं बाद में आपको दूंगा, क्या हो रहा है, रोज़ वही कॉल करते हैं। तो जब ज़रूरत होती है ना, जो करना है उसके लिए भी हिम्मत करा करो। कॉल मैंने बता दिया आपको, दिन में एक बार या तो सुबह 7-8 बजे के या शाम को 7-8 बजे आपको सूचना में अपडेट करता रहूँगा, कोई भी नहीं आती तो। बाकी जो हाई कोर्ट का ये मैटर हो रहा है उनसे घबराओ मत, लास्ट निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।